सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चंदा, और 3-4 रोटी लेकर आना। ढंग से बैठो बेटा, और खाना खाते वक्त तो मोबाइल को आराम दे दो ना। पापा, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, आप नहीं समझोगे। वैसे भी आप इतने बूढ़े तो हो चुके हो। इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे संध्या। क्या यार पापा, संध्या यार, मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझे सैंडी बुलाया करो। वैसे भी नाम इतना ओल्ड फैशन है और आप मुझे बार बार इसी नाम से बुलाते रहते हो, संध्या संध्या संध्या। यार आई डोंट लाइक दिस यार पापा। ये तुम्हें संध्या नाम से क्यों बुलाते हैं पता है ना? यार माँ प्लीज। अरे नाकाम आशिक, संध्या को तो पा ना सके, बेटी का नाम ही संध्या रख दिया। कमाल है तुम्हारे पापा। मम्मा अब बस भी करो, यार मुझे पता है कि पापा की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम भी संध्या ही था और उन्होंने मेरा नाम भी संध्या ही रख दिया है। क्या बकवास हो रही है यहाँ पर, कहाँ की बात कहाँ पहुँचा रही हो? खाना खाओ संध्या। पापा कौन है? कौन है भाई? कहाँ रह गए ये? कमलेश कौन है? कोई नहीं। कौन था कमलेश? पता नहीं। पता नहीं, कोई नहीं का क्या मतलब है? हाँ मतलब कोई मजाक कर रहा है, परेशान कर रहा है ना बेल बजाकर, और क्या? कोई क्या, हमारे पड़ोसी होंगे। जी का जंजाल बन गए। मैं कह देती हूँ उनकी निगाह हमारे घर पर है, लेकिन उनसे कहना चाहे कुछ भी हो जाए ये घर हम नहीं बेचने वाले। हाँ क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो तुम? घर खरीदना चाहते हैं वो हमारा घर, बेल बजाकर भाग जाएंगे क्या? किसकी नानी मर रही है आज? अबे पागल हो गया है क्या, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये आप ठीक नहीं कर रहे शुक्ला जी, घाट घाट का पानी पिया हमने, 75 देखे आप जैसे। खामखा भोपू क्यों बन रही हो तुम, चुप करो ना। हमको डरा कर हमसे घर छुड़वा लेंगे ऐसा सपने में भी सोचना मत। आपकी ये इच्छा है ना कभी पूरी नहीं होने देंगे हम, कोर्ट कचहरी सब करने के लिए तैयार बैठे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे बेवकूफ, पड़ोसी हमारा वो भला आदमी है, जगह दोस्त है मेरा, बेवजह तुम बात का पतंगड़ बना रही हो। बेवकूफ तो मैं ही हूँ ना, आप सब लोग तो ज्ञानी हैं, लेकिन जरा संभल के कहीं ज्ञान का कटोरा फट न जाए। आप बस भी करो यार, चलो अंदर चलो। प्लीज प्लीज चलो अंदर। सैंडी छोड़ो मुझे। We'll be right back.
मैं लौट आई हूँ। कौन कौन हो तुम? पहचाना नहीं? मैं संध्या, तुम्हारी संध्या। मैं लौट आई हूँ वापस। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम संध्या नहीं हो सकती, तुम कैसे संध्या हो सकती हो? चलते चलते दूर चले न जाना तुम, हमसे कभी भी रूठ न जाना तुम। रूठ गए तो हम न मनाने आएंगे, उठा के तुमको अपनी दुनिया में ले जाएंगे। मैं आ रही हूँ कमलेश, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बिंदु 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 उठो, बिंदु बिंदु उठो, बिंदु जल्दी उठो, बिंदु बिंदु जल्दी उठो। क्या हुआ बिंदु? बिंदु वो कह रही है कि वो वापस लौट आई है। कौन कौन वापस लौट आई है? बिंदु मुझे मुझे थोड़ा पानी ला दो ना। क्या है? न दिन में चैन देते हो ना रात को आराम, पागल कर दोगे मुझे। ये लो। वहां क्या देख रहे हो? पानी लो। वहां उस दरवाजे के यहां पर कुछ दिखा तुम्हें? हाँ देखा, ऐश्वर्या राय को देखा। बिचारी कोने में खड़ी देख रही थी। तुम सो गए कि जाग रहे हो? बिंदु 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 मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अभी उसे देखा है। ऐश्वर्या राय को? बिंदु मैं संध्या को देखा, मेरी वाली संध्या। क्या? हाँ। संध्या यादव? हाँ। 15 साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अभी भी पराई औरत को मेरी वाली संध्या कहकर बुलाते हो, क्या हो गया तुम्हें? सठिया गए हो बुढ़ापे में, अब सो जाओ ना। वो तो मरकर छूट गई और मैं तुमसे शादी कर फंस गई। बिंदु तुम गुस्सा मत हो ना, विश्वास करो मुझ पर। मुझे ना संध्या दिखाई दे रही है, तुम्हारी कसम। खबरदार खबरदार जो मेरी कसम ली लो। अगर मेरे माता पिता को पता होता ना कि तुम्हारा संध्या के साथ रिश्ता है, तो मेरी शादी वो तुमसे कभी नहीं करवाते। मेरे ही भाग में क्या लिखा था? हे भगवान, क्या गुनाह किया था मैंने, क्या मालूम कि अभी भी पहली वाली प्रेमिका इतने सपने में आ रही। अरे क्या संध्या, कितना टाइम लगा रही हो तुम? हाँ, ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाली हो भाई? एक मिनट पीछे मत पलटना, बस एक मिनट। मैं मुड़ रहा हूँ। नहीं, एक मिनट। अब देखो टन टन कैसी लग रही हूं मैं? ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। तो कब बनाओगी मुझे अपनी दुल्हन? कब आ रहे तुम्हारे पापा मम्मी? संध्या ऐसा है ना कि मेरे घर वाले हमारे शादी के सख्त खिलाफ है। बिरादरी के बाहर वो मेरी शादी नहीं होने देंगे। तुम तो जानती हो ना मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। और एक्चुअली ना पिताजी ने हमारी बिरादरी की एक लड़की मेरे लिए देख रखी है और मैंने उनको हाँ भी बोल दिया है। मजाक कर रहे हो ना, है ना कमलेश? तुम मजाक करो ना, बोलो ना मजाक कर रहे हो। देखो कमलेश, मेरे घर वाले मेरे खानदान वाले सब हमारे बारे में जानते हैं, सब क्या बोलेंगे? हाँ तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। देखो मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता ना, नहीं जा सकता, बात को समझो। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना कमलेश, तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ऐसे थोड़ी ना कोई करता है। देखो, जैसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़की देखी ना, वैसे तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे लड़की ढूंढ देंगे। हाँ, मुझसे शादी कर ले, खुश रहोगी तुम। सच कह रहा हूँ। आई एम सॉरी साल बाद मुझे संध्या की याद क्यों आ रही है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? डर क्यों रहे? मैं संध्या हूं, तुम्हारी संध्या। देखो, मैं लौट आई हूं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। ऐसे मत देखो, मैं ना फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। ये नहीं हो सकता। देखो, तुम मुझे ऐसे डराओ मत। तुम संध्या के बारे में कैसे जानती हो? कौन हो तुम? आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। आओ। देखो मेरी बात सुनो, तुम संध्या नहीं हो सकती। संध्या मर चुकी है। कौन हो? अरे माँ उठो, मम्मी पापा कहाँ है? हाय पापा। कहाँ चले गए इतने सुबह सुबह? मैं काम करती हूँ, मैं फोन करती हूँ उन्हें। माँ, पापा को फोन करने का कोई फायदा नहीं है। वो देखो, अपना फोन तो पापा उधर ही भूल गए। तंग आ गए मैं इस इंसान से, पता नहीं कब छुटकारा होगा। तू चिंता मत कर, पापा आ जाएंगे। मैं पूजा करती हूँ। और सुन, चंदा को कहना वो तुम्हें नाश्ता दे देगी। क्या चाहिए? सदा सुहागन रहो। अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो गए क्या? हे दुर्गा माँ, ये सब क्या हो रहा है? पापा, पापा प्लीज उठो ना।
कमलेश? पापा, पापा उठो ना कमलेश, कमलेश उठो ना, पापा कमलेश, 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 अंकल क्या हुआ पापा को? क्या हो गया इन्हें? भाभी जी सब ठीक है। पापा उठो ना प्लीज। बिंदु भाभी ये सब क्या चल रहा है? कमलेश भाई साहब मुझे हाईवे के पास मैदान पे पड़े हुए मिले। हाईवे के पास अकेले थे? भाभी जी ये कैसा सवाल है, अकेले ही थे और कौन होगा। अच्छा ये सब छोड़िए, बात बताइए भाभी जी कमलेश आज भी छिप छिप कर पीता है क्या पहले की तरह? नहीं उसके कपड़ों से बहुत बदबू आ रही थी शराब। शुक्ला जी पिछले 3 महीनों से उन्होंने एक बूंद भी शराब नहीं पी है, शराब छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। फिर ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने इतनी पी ली? तू मैं संध्या को देखा, मेरी वाली संध्या, उनके चेहरे और बदन पे बहुत निशान है जैसे खरोचा हो किसी ने उन्हें। मैं थोड़ी देर बाद आके उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। क्या लगेगा? नमस्ते। शुक्ला जी शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन है? चलता हूँ। पापा प्लीज उठो ना कमलेश, आके खोलो कमलेश, प्लीज उठो ना पापा, कमलेश उठो ना, कमलेश पापा प्लीज उठो ना पापा, उठो ना पापा प्लीज कमलेश, पापा उठो, कमलेश उठो, पापा उठो, संभल के बैठ जाओ यहाँ पे। कमलेश कहाँ थे आप? संध्या मुझे लग रहा है ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है, सच में तुम लोग मेरी बातें मानोगे नहीं? पापा काम ना, पागल नहीं हूँ लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, संध्या मुझसे बातें करती है, कल रात मुझसे मिलने आई थी वो। कमलेश ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कमलेश आपने आपने फिर से पीना शुरू किया? हम किसी भी इस तरह के विश्वास को या घटना पर अपनी मोहर नहीं लगा सकते और ना ही इसको सही ठहरा सकते, लेकिन भोपाल के रहने वाले कमलेश तिवारी के साथ ये सब कुछ हो रहा था। उसे संध्या की आत्मा बार बार दिखाई दे रही थी और वो बार बार उससे एक ही बात कह रही थी कि वो वापस लौट आई है। संध्या वापस लौट आई है? आखिर कौन है ये संध्या और कमलेश तिवारी के साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा था? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं? नमस्कार मैं अमित पचौरी, प्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं अपने साथ मध्य प्रदेश के शहर भोपाल, जहां एक अजीबोगरीब घटना घटी। आइए जानते हैं आखिर क्या है इस संध्या का रहस्य। पापा अरे आ गए आप, संभल के बैठिए, बैठो पापा। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं थोड़ी कमजोरी है, दवाई दी है। मामा मैं पानी लाती हूँ। रहने दो, जगत के पास पानी था उसे नहीं दवाई खिला दी। मैं शुक्ला जी को हमेशा गलत समझती रही, अब मुसीबत के वक्त वही काम आ रहे। इसलिए कहता हूँ बिंदु किसी को बिना जाने पहचाने कभी भला बुरा कुछ नहीं कहना चाहिए। और फिर जगत तो मेरा दोस्त है ना। अरे बेटा संध्या। हाँ पापा। तुमने कविता लिखी थी ना, याद है तुमको? पापा इतनी सारी कविताएं तो लिखी हैं, कौन सी वाली? अरे वो
संडे जो मुझे सुनाई थी वो ही सुना दो ना। हाँ अभी सुनाती हूँ। चलते चलते दूर चले ना जाना तुम, हमसे कभी भी रूट के ना जाना तुम। रूट गए तो हम मनाने ना आएंगे, उठाकर तुमको अपनी दुनिया में ले जाएंगे। कमलेश क्या हुआ? बेटा। हाँ पापा। बेटा ये कविता किसने लिखी है? मैंने खुद से लिखी है पापा। अच्छा दूसरी कोई कविता सुना सकती हूँ? अभी नई नई लिखी है वो सुनाती हूँ। आकाश में जितने तारे हैं उतना हम तुमको प्यार करें, बारिश में सावन के मौसम में एक तक तुम्हारी रात अके। बस अब बहुत हुआ, चलो जाओ जाके होमवर्क करो। जाओ। ठीक है जाती हूँ। कल मंदिर में जो हुआ उसके बारे में बात करूँ या नहीं? नहीं ये शायद ठीक समय नहीं है, अभी ने टेंशन देना ठीक नहीं है। तुम राज का पिछला जन्म उसके सपनों के रास्ते से उसे याद दिला सकती हो। ओम नमः शिवाय। कोई भी व्यक्ति इस झील में डुबकी लगाता है उसे अपने पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं। अगर हम रियल लाइफ में सांप होते तो? जो हमारे सपने होते हैं ना कहीं वो हमारी हकीकत से जुड़े हुए होते हैं। फिर लौट आई नागिन, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। यहां से आसमान कितना नजदीक होगा ना? आसमान में जितने तारे उतना हम तुमको प्यार करें, बारिश में सावन के मौसम में एक तक तुम्हारी रात। बारिश में सावन के मौसम में बस एक तक तुम्हारी रात अके। क्यों आई हो वापस मेरी जिंदगी में? 17 साल पहले तुमने मुझे मर जाने दिया, तुम खुद चैन की जिंदगी कैसे जी सकते हो? तुम सबका भी वही हाल होगा जो मेरा हो। ना तुम बचोगे, ना तुम्हारी बीवी बचेगी और ना ही तुम्हारी बच्ची बचेगी। मैं किसी को भी जीने नहीं दूंगी। संध्या, संध्या मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी से चली जाओ, मेरे परिवार की जिंदगी से चली जाओ, माफ कर दो। माफ कर दो तुम्हें? तुम्हें माफी नहीं मिली, तुम कहीं पर भी चले जाओ, जैसे मुझे मुक्ति नहीं मिली है ना, तुम में से किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे मेरी आत्मा भटक रही है ना, तुम सबकी भी आत्मा ऐसे ही भटकेगी। नहीं, देखो तो कमलेश। पापा। कमलेश, कमलेश। पापा, पापा। कमलेश। शराब। पापा, पापा उठो। इन्हें फिर से शराब कहाँ से मिल गई? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अच्छा हुआ शुक्ला जी आप आ गए। आइए सैंडी बेटा तुम अंदर जाओ। कमलेश क्या हुआ? जगत संध्या वापस आ गई है, वो मुझसे बातें करती है। कौन संध्या? क्या कह रहे हो तुम? शुक्ला जी दरअसल बात यह है कि हमारी शादी होने से पहले कमलेश का संध्या नाम की लड़की से रिश्ता था, उनकी शादी नहीं हुई तो उस लड़की ने सुसाइड कर लिया और वो हमारी जिंदगी में वापस लौट आई। लौट आई? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मर के कोई वापस आता है क्या? मैं भी यही सोचती थी शुक्ला जी, लेकिन मैंने भी उस औरत को देखा है।
उस दिन मैं मंदिर से लौट रही थी तो शादी का जोड़ा पहने हुए एक औरत मेरे पास आई और उसने मेरा टीका और सिंदूर हटा दिया और अचानक वो गायब हो गई। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कमलेश, मैं डर रही थी। आप लोग मुझे पूरी बात बताएंगे, क्या हुआ था संध्या के साथ? मैं और संध्या एक दूसरे से प्यार करते थे, हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। मेरे पिताजी इस शादी के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया और मेरी शादी बिंदु के साथ तय कर दी। उस दिन संध्या ने जो कहा ना, काश मैं उस पर भरोसा कर लेता। कमलेश, मेरी बात सुनो। कमलेश, नहीं कर सकता तुम्हारे साथ शादी में, अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं तुम्हें भगाकर नहीं ले जा सकता। ठीक है, अगर आज तुम मुझे लेने नहीं आए ना और मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मरने के बाद भी ना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। याद रख, जो अन्याय तुमने मेरे साथ किया ना उसकी सजा तुम जरूर भुगतो। और देर रात तक वो मेरा इंतजार करती रही और मैं अपनी शादी की तैयारी में बिजी था। सोचा ही नहीं था कि संध्या आत्महत्या कर लेगी। संध्या, ने क्यों किया उसके साथ ऐसे? कैसी बातें कर रही है भाभी? कमलेश की क्या गलती है इसमें? इसे थोड़ी ना पता था कि संध्या आत्महत्या कर लेगी। और रही बात संध्या के वापस आने की, तो ये भूत प्रेत आत्माओं इन बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। हर जगत ये सैंडी जो कविताएं लिखती है ना, संध्या उसे कहती है। अब संध्या को कैसे पता कि सैंडी क्या लिखती है? अब इसका मतलब संध्या का भूत है यहाँ पर, है इसी घर में, यही बने। पीने की वजह से तुम्हें वहम हो रहा है तभी तुम ये सब सच मान रहे हो। यार, नींद नहीं आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने पी ली थी, और वो भी थोड़ी सी, इतनी सी पी ली थी यार। नशे के वहम नहीं हो रहे मुझे ऐसे। संध्या ना, संध्या सामने आती है, ठीक आंखों के सामने मुझसे कहती है तू मुझे ले जाएगी मुझे। जगत, वो ये भी कहती है कि वो मेरी बीवी और प्यारी सी बच्ची को मार डालेगी। जगत, वो सैंडी की कविता कहती है, सच में वो यहीं पे है। तुम मेरी बात का विश्वास करो, वो यहीं पे है। भाभी जी, बुरा ना माने तो बात बोलूं, हमारे यहाँ एक महिला हो जाए जिन्हें भूत प्रेत दिखते हैं। हमारे यहाँ जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हें बुला लेते हैं। मैंने सुना है जो आत्महत्या करते हैं ना उनकी आत्मा भटकती रहती है। श्यामली देवी बहुत पहुंची हुई हो जाए, एक बार उन्हें बुलाने में कोई बुराई नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? तुम अंदर जाके अपना काम करो, ये सब पागलपन है। भाभी जी, आप कमलेश को कहीं यहाँ से दूर ले जाइए, दिमाग को आराम मिलेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते श्यामली जी, ये हमारे जी, कल रात को वो इसी अलमारी के ऊपर थी।
अरे इसका दिमाग फिर गया भाभी, मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको डॉक्टर की जरूरत है, इनकी नहीं। ये कोई दिमागी बीमारी नहीं है, एक औरत है और यही है वो। श्यामली देवी के काम में दखल मत दीजिए मेहरबानी करके। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरी माँ को। माँ आराम से। हम सभी ने भूत प्रेत आत्माओं की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन जरा सोचिए कि अगर सचमुच किसी के साथ ऐसा होने लगे कि कोई व्यक्ति जो बरसों पहले मर चुका हो वो साक्षात आपको दिखाई दे, तो आपकी मनोदशा क्या होगी? आपका परिवार दहशत की स्थिति में आ जाएगा, और दहशत की स्थिति में आकर ही इंसान गलती करता है जो कमलेश और बिंदु ने की। अगर सैंडी ने समय रहते तांत्रिक को नहीं रोका होता तो बिंदु के दिमाग और शरीर को भारी नुकसान पहुंचता। इस तरह के ढोंगी तांत्रिक अक्सर मासूम लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। जरूरी है कि हम ऐसे तांत्रिकों से कोसों दूर रहें। और रही बात संध्या की आत्मा की, तो इसमें जरूर कोई ऐसा षड्यंत्र है जिसके बारे में ना तो कमलेश जानता है और ना ही उसका परिवार। आखिर कौन है वो शख्स जो कमलेश और बिंदु के साथ ये सब कुछ कर रही थी और क्यों कर रही थी? आइए जानते हैं क्या है इस आत्मा की कहानी का अंत। स्वयं शनिदेव हमारे रक्षक हैं तो हमें क्या चिंता। जिनके न्याय चक्र से सृष्टि में हो रहा है पापों का नाश। सूर्य पुत्र शनि के रहते ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा, पाप करने वाले पापियों को दंड अवश्य देंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से दूर होगा भक्तों के जीवन का अंधकार। शनिदेव महाराज की जय। महिमा शनिदेव की सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? वहाँ पे, वहाँ पे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। सैंडी, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ये चंदा कहाँ है? उसे कुछ काम था इसलिए वो नहीं आई। बेटा कुछ नहीं है। बेटा कुछ नहीं, रिलैक्स ओके। बस बहुत हो चुका, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। शाम तक हम तुम्हारे मामा के यहाँ पहुँच जाएंगे। संध्या क्या चल रहा? मुझे इस घर में रहना नहीं है। लेकिन क्यों? नहीं रहना है मुझे इस मनहूस घर में। मेरा मुंह क्यों देख रहे हो कमलेश? पैकिंग हो चुकी है, निकलना है यहाँ से बस। मेरी बात तो सुन। चंदा आज से तुम्हारी भी छुट्टी, ये ले तेरा सब हिसाब क्लियर। लो ठीक है भाभी जी, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तुम अब तक यही खड़े हो, इंतजार कर रहे हो वो चुड़ैल वापस आए और हम पर हमला करे। सही रास्ता नहीं है बिंदु, बिल्कुल सही रास्ता नहीं है। और फिर ये भी तो सोचो ना कि तुम्हारे भाई के घर पर हम लोग कितने दिन रह सकेंगे। बेवजह उसको क्यों परेशान करना? अबे जाना, चाहे कुछ हो जाए हम लोग ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। और इसकी क्या गारंटी कि हमारे पीछे पीछे संध्या वहां तक नहीं आएगी? घर बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। आज जितनी परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ रही है, हमारी वजह से तुम्हारे भाई को उतनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे तुम?
इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मार डालूंगा अपने आप को। मेरे लिए आती है ना वो? जब इस दुनिया में मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर किसके लिए आएगी वो? तुम लोग तो आराम से रह सकोगे, आराम से रहना। ठीक है, हम यही रहेंगे, इसी घर में, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन तुम अपना ये खुदकुशी वाला प्लान कैंसिल कर दो प्लीज कमलेश। वो चुड़ैल हमें बर्बाद करने के लिए बैठी है। ऐसे मत करो प्लीज कमलेश, प्लीज प्लीज। कमलेश कमलेश कमले, संध्या संध्या बेटा जाओ, पापा को रोको। मैं तब तक पुलिस को फोन करती हूँ। पापा जल्दी। शुक्ला जी अच्छा हुआ आप आ गए, देखिए ना इन्हें। देश से जुर्म का नामो निशान आ रहे हैं अली और हनुमान। CIF हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ दंगल पर। भाभी जी आपको मारता नहीं तो क्या करता? भाभी बताओ, इतने सालों से कह रहा हूं अपना घर बेच दो, लेकिन नहीं, आप लोग तो घर पकड़ के ही बैठे। बड़ी मुश्किल से एक भूत ड्रामा खेला था और अच्छा खासा आप लोग घर छोड़कर जाने ही लगे थे, लेकिन नहीं, मियां बीवी लग गए एक दूसरे को बचाने में और आप तो पुलिस को ही कॉल करने लग गई थी। तंग आ गया हूं आप लोगों का परिवार मिलाप देखते देखते। ना रहेगी माँ और ना रहेगा परिवार। बिंदु तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जगत जा क्या तू? जगत छोड़ो मुझे, जगत छोड़ो, जगत ये चले जा, अच्छा नहीं कर रहे तुम। क्या जगत अच्छा नहीं कर रहे तुम? जगत जगत छोड़ो, जगत 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 बताता हूँ क्या बिगाड़ा तुम्हारे। जगत क्या करता मैं? कितने समय से कह रहा हूं मुझे ये घर बेच दो पर तुम मानते ही नहीं। फिर मैंने ऐसा प्लान किया कि मुझे घर भी मिल जाए और मेरे पैसे भी ना जाए। तुम्हें दारू पिला पिला के संध्या की इतनी बातें की कि तुम उसकी कल्पनाओं में खो गए। छोड़ो जगह संध्या दिखाई देने लगी। बस फिर क्या, संध्या की मां तुम्हारे यहां नौकरानी थी, पतियों का खेल वो खेलने लगी। संध्या का अभिनय करने के लिए
हम ले आए उसकी छोटी बहन नम्रता को। कितना इंतजार किया इस पल का, वो तो भला इन जगत जी का जिन्होंने ये प्लान बनाया, वरना हमारा तो ये सपना पूरा ही नहीं हो पाता, आपको और आपके पूरे परिवार को मारने का। संध्या दीदी की मौत के बाद मुझे और मेरी माँ को किस किस मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा आपको पता भी है? अरे पता होगा भी कैसे, ये तो अपने परिवार के साथ खुश थे, खुद को बहुत समझदार समझते हो ना, लेकिन देखो भगवान का करिश्मा, मेरी छोटी बेटी नम्रता हूबहू संध्या की तरह दिखती है। और फिर ये दोनों मोहरा बने मेरे इस खेल का। याद है ये दुपट्टा? संध्या दीदी ने इसे अपनी शादी के सपने देखे थे और इसी दुपट्टे से उन्होंने अपनी जान ले ली, सब तुम्हारी वजह से हुआ। इतना बड़ा धोखा क्या जगत हमारे साथ? हाँ, इतनी बड़ी प्लानिंग के बाद अब तुम सब मरोगे, पहले भाभी फिर तुम और अंत में नम्रता। जाओ उस लड़की को छोड़ो, जाओ। मेरी बेटी को छोड़ दो नम्रता, जगत मुझे मारते हो लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। ये तुमने अच्छा नहीं किया कमलेश, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी संध्या की जान गई, मोक्ष चाहिए उसे और इसलिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हस्ती खिलखिलाती संतों से जुड़ा अभिमानी धर्मराज का साथ। ये शादी होगी धर्मराज माहिया वंशी उस लड़की के साथ शादी। लेकिन रिश्तों को एक करने संतो देगी अब कौन सा बलिदान? मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मेरी संतान इस घर के रिश्ते में कभी नहीं आएगी। बंदनी सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल पर। शादी तुम मेरे साथ? नहीं। अरे पकड़ो उसे, अरे घर से बाहर ना निकल जाए, अरे घर की हड्डी बन जाएगी, अरे पकड़ो उसे, अरे एक लड़की नहीं संभाली जाती इनसे। सर यही है जगत शुक्ला, किसी ने मेरे पूरे परिवार, मेरे मम्मी पापा, इन दोनों को मेरी आंखों के सामने मार डाला सर, आप प्लीज इसे गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं सर, ये सब कमलेश ने किया, उसे एक भूत दिखता था, उसी भूतनी के कहने पर उसने अपने आप को और भाभी जी को मार डाला, मैं तो बचाने आया था, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है सर। सर ये झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है सर, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आता है ना सर, तो अंदर बेडरूम में खिड़की के पास एक मोबाइल फोन रखा है जिसमें सब वीडियो रिकॉर्डिंग है सर, इस आदमी ने मेरे मम्मी पापा को मेरी आंखों के सामने मार डाला सर। हाँ सर, सर ये देखिए सर, इसमें सब वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि भूत पिशाच और आत्माओं का अस्तित्व होता है, लेकिन साइंस ने इस बात को कभी नहीं माना और हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते और ना ही ऐसी मान्यताओं को समर्थन देते हैं। कमलेश का घर हत्याने के लिए जगत ने एक घिनौना षड्यंत्र रचा, उसने सारी हदें पार कर दी, उसने कमलेश के परिवार को यह भरोसा करने पर मजबूर कर दिया कि संध्या की आत्मा है। कमलेश के परिवार ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके घर में रहने वाली चंदा ही है जो जगत के कहने पर ये सब कुछ करवा रही है। कमलेश इतनी जल्दी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जगत ने उसकी नशे की आदत को आधार बन दिया। दर्शकों, अगर इंसान अपने होशो हवास में नहीं है और उसे बार बार कोई बात बताई जाए तो
वो धीरे धीरे उस बात पर भरोसा करने लगता है, उसे वहम सा होने लगता है और वही बात उसे सच्चाई लगने लगती है। जुर्म कानून से तो बच सकता है लेकिन उसकी उम्र लंबी नहीं होती। सैंडी ने समझदारी दिखाते हुए जगत के जुर्म को मोबाइल में कैद कर लिया और जगत को सजा हुई। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। याद रखिएगा दर्शकों, भूत पिशाच प्रेत आत्माओं इन सब बातों से हमेशा दूर रहिए और नशे की आदत को हमेशा ना गईये। और हाँ, क्राइम अलर्ट देखते रहिए, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।